राजन शाही का मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा से अनुज कापड़िया की एग्जिट के सामने आई ये शॉकिंग रिएक्शन। राजन शाही नहीं ये एक्ट्रेस के चलते अनुज ने छोड़ा शो, अब फैंस को लगा सबसे बड़ा झटका। सामने आया ऐसा सच जिसे जानकर उड़ जाएंगे आपके भी होश। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रही अंत तक। दोस्तों, अनुपमा शो की कॉन्ट्रोवर्सी उतनी ही बड़ी है जितनी कि इस शो का नाम, जितना शोहरत इस शो को मिला है, जितनी TRP शो के एक्टर्स को मिली है, उतनी ही ज़्यादा इस शो से कंट्रोवर्सी का भी चोली दामन का साथ रहा है। हर समय अनुपमा के मेकर्स हो, डायरेक्टर हो या फिर रूपाली गांगुली जो कि शो का सबसे अहम चेहरा है, शी इज़ अ लीड मटेरियल, और इन्हीं के चलते जितनी पॉपुलैरिटी शायद रूपाली गांगुली ने अनुपमा से, उतनी शायद ही किसी और एक्टर ने बटोरा होगा। लेकिन अब अनुज कापड़िया की एग्जिट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब सामने आ चुका है सच, क्या वो बड़ी वजह थी जिसके चलते अनुज ने रातों रात छोड़ दिया है ये शो। राजन शाही के इस शो को छोड़ने की वजह बता दी है सामने। दरअसल रूपाली गांगुली के ऊपर सबसे पहले तो कई सारे एक्टर्स ने आरोप लगाए हैं, चाहे वो निधि शाह हो, चाहे वो सुधांशु मिश्रा हो, मदालसा शर्मा हो, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो आज भी रूपाली गांगुली पर ब्लेम डालते हैं कि अगर वो शो से निकाले गए या फिर निकलना हुआ तो उसकी एक मेजर रीज़न था रूपाली गांगुली का ख़राब नेचर और ख़राब बिहेवियर। रूपाली गांगुली बहुत सारे एक्टर्स का सीन भी कटवा दिया करती हैं जिसके चलते उन एक्टर्स को मजबूरन ये शो छोड़ना पड़ता है। दूसरा ये मेजर रीज़न है जिसके चलते अनुज ने छोड़ दिया है अनुपमा शो। दरअसल अनुपमा और अनुज कापड़िया को लेकर भी ये खबरें आ रही हैं, हालांकि ये रूमर्स हैं या फिर ये सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत सारे एक्टर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि रूपाली और अनुज में बिल्कुल भी नहीं बन रही है, जैसा कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिखाई जा रही है उससे बिल्कुल ही उलट है ऑफ स्क्रीन इनकी केमिस्ट्री, इनके रिलेशन। दरअसल अनुपमा के ऊपर ये पहला आरोप नहीं है, इसके पहले भी राजन शाही और अनुपमा पे बहुत सारे एक्टर्स ने आरोप लगाए हैं। इवन दो जितने भी एक्टर्स ने छोड़े हैं, 90% एक्टर जो हैं या तो वो राजन शाही पर भड़ास निकालते हैं या तो रूपाली गांगुली पर, और यही वो बड़ी वजह है कि अब अनुज कापड़िया को लेकर भी बहुत सारे फैंस ये मानते हैं कि रूपाली और अनुज में केमिस्ट्री सेट नहीं हो पा रही है, ऑन स्क्रीन इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी और राजन शाही का बिहेवियर तो सभी को पता है, जिसके चलते अनुज ने अब फाइनली इस शो को छोड़ दिया है। तीसरा ये मेजर रीज़न है जिसके चलते गौरव खन्ना ने कर दिया है सीक्रेटली अनुपमा शो को क्विट। दरअसल अनुपमा शो में 15 साल का लीप आ चुका है और अब लीप आने के बाद जाहिर सी बात है कैरेक्टर में चेंजेस आएगा, कैरेक्टर की एजिस की जाएगी और गौरव खन्ना फिलहाल के लिए रेडी नहीं है उस कैरेक्टर को निभाने के लिए जो अनुपमा के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। कहीं ना कहीं गौरव ने हिंट दिया है कि वो अब इस शो को हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। हालांकि राजन शाही की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वाकई गौरव ने इस शो को क्विट कर दिया है या फिर नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ये फैंस के लिए सबसे बड़ा झटका होगा अगर अनुज कापड़िया इस शो को छोड़ देते हैं तो। मान की केमिस्ट्री को कोई और एक्टर रिप्लेस नहीं कर सकता है। फिलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आपको भी लगता है कि जी हाँ रूपाली गांगुली का बिहेवियर हो सकता है जिसके चलते कई सारे एक्टर्स आरोप लगा चुके हैं और कई सारे एक्टर्स ने शो को छोड़ भी दिया है। वेल, आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आपको लगता है कि अनुज की वापसी होनी चाहिए अनुपमा शो में या फिर आपको लगता है कि अनुज को रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।